हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर यूपीसीईटी लीड 2021 एग्जामिनेशन, यानी कि 2021 का जो आपका लीड एग्जामिनेशन होने जा रहा है, वो एग्ज़ाम देने जाते समय हमको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेपर को हम लोग किस प्रकार से देंगे कि कम टाइम में हमारा पेपर जो है इजीली सॉल्व हो जाए, और जो है निगेटिव मार्किंग अगर रहता है तब किस कौन सा तरीका अपनाएंगे पेपर देने के दौरान, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहता तब कौन सा तरीका अपनाएंगे, क्योंकि अभी जो एडमिट कार्ड आया इसमें निगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो पहले कुछ ये आपके जो है एडमिट कार्ड में नीचे दिया हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं आपको एग्जाम देने से पहले कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर के जाना है। पहला पॉइंट है आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपको पानी पीने के लिए वहाँ पे मिलेगा नहीं, अगर प्यास लगती है तो उसके लिए आपको पहले से ही वाटर बॉटल लेके जाना पड़ेगा, यानी पीने वाला पानी आपको सेल्फ से लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे पहले कभी आप एग्ज़ाम दिए रहे होंगे कोई, तो वहाँ पर पानी पीने के लिए मिलता था, लेकिन चूंकि कोविड का दौर है इस वजह से आपको पानी का बॉटल अपना खुद का ले जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। दूसरा आपका है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, अब 50 ml का जो कि रहे, बहुत बड़ा भी नहीं ले जाने की ज़रूरत है, 50 ml का आपका जो है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना, क्योंकि आपको सैनिटाइज वगैरह जो है सेल्फ के सैनिटाइजर से आपको करना है। तीसरा आपका है ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, आपको एक बॉल पॉइंट पेन ले जाना ट्रांसपेरेंट, अगर रिफिल वाली रहती है तो रिफिल वाली पेन अगर ले जाते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, अगर लिखो फेको वाला रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अगला आपका है एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, तो जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे उसमें नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, उसमें कुछ चीज़ें आपको कोविड-19 की रिकॉर्डिंग जो है टिक करनी है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है आपका एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें अंडरटेकिंग मतलब आपको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको आपको टिक करके ले के जाना है एग्जाम देने से पहले आपको वो सारी चीज़ें। तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अंडरटेकिंग वाला भी फॉर्म निकाल लीजिएगा पूरा, जो आपको वेबसाइट पर दिखा रहा होगा पूरा प्रिंट आउट लेकर के जाइएगा और अंडरटेकिंग भर के ले जाइएगा साथ में। पांचवा आपका है एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो, आपको एडिशनल मतलब अतिरिक्त जो है एडमिट कार्ड के साथ जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के जाना, कम से कम दो फोटो एटलीस्ट ले लीजिएगा, दो फोटो भी ले लीजिएगा, लिखा नहीं नंबर आप कितने फोटो चाहिए, वैसे जरूरत एक ही का पड़ेगा, लेकिन दो फोटो आप लोग लेकर के जाइएगा। अगला आपका है ओरिजिनल आईडी प्रूफ, कोई आप लोग आईडी प्रूफ लेकर के जा सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, या आपका कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है तो भी वैलिड होना चाहिए, लेकिन आप आधार कार्ड पैन कार्ड या डीएल में से कोई लेकर के जाइएगा, जनरली आधार कार्ड तो सबका रहता है तो आधार कार्ड लेकर के जाइएगा। सातवां आपका मास्क एंड ग्लव्स, मास्क तो पहनना जरूरी है, मास्क और ग्लव्स भी मार्केट में मिलता होगा प्लास्टिक का, तो इसको भी ले लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम से पहले जो है कैरी करके लेके जाना है अपने साथ, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं कंपलसरी हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए अभी जो पेपर है आपका ये एडमिट कार्ड आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है लैंग्वेज को लेकर के, उसमें जो आपका लैंग्वेज लिखा है लैंग्वेज सबके पे एडमिट कार्ड में इंग्लिश लिख करके आ रहा है। अब सब बच्चे कन्फ्यूज है कि सर जो है हम लोग जो है हिंदी में पढ़े हैं, तो पेपर अगर इंग्लिश में आ रहा है तो हम लोग बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारे बच्चे डर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी किए थे इस लैंग्वेज को लेकर के। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन जो आपका पहले जब आपका फॉर्म भराया था तो वहाँ पे जो अगर आप लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन में या नोटिफिकेशन में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया जो भी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होने जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट जैसे आपका बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, उसमें जो आपका मतलब लैंग्वेज होगा बायलैंग्वल होगा, मतलब पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लिख करके तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर अभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, आप लोग अगर ज़्यादा कन्फर्म करना हो तो जो आपके संपर्क में बच्चे अभी नीट लीड वो एग्जाम दिए होंगे, जेई मेन का एग्जाम दिए होंगे तो उनसे पूछ सकते हैं, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, उनका पेपर जिस तरीके से आया रहा होगा हिंदी इंग्लिश में, तो अगर उनका हिंदी में आया रहा होगा तो आपका भी हिंदी में जरूर आएगा पेपर। तो रहेगा क्या, जनरली होता क्या है जब हम लोग कोई ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले आता है, बहुत सारे पेपर में ऐसे होता है कि एक ही प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं खुल करके आएगा कंप्यूटर पे, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है तो आपका पेपर जो आएगा उसमें पहले आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करने रहेगा। जनरली जो एग्जाम होते हैं, चूंकि ये पहली बार या किसी से राय ले सकते हैं जो बच्चा जेईई मेन का एग्जाम दिया हो उसमें कैसे आता था,
तो जनरली होता क्या है कि आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज पहले चूज करना रहता है। आप हिंदी में चूज कर लेंगे तो हिंदी में पेपर खुलेगा, इंग्लिश में चूज करेंगे तो इंग्लिश में पेपर खुलेगा। और उसके बाद मान लीजिए आपने हिंदी चूज कर लिया है और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आप लोग कन्वर्ट करके इंग्लिश में देख सकते हैं। जनरली ऑनलाइन पेपर जो है इस प्रकार से होते हैं, जो बायलैंग्वेज होते हैं। पेपर आपका एक लैंग्वेज में खुलेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग लैंग्वेज जो है कन्वर्ट करके जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखा गया अगर कोई त्रुटि रहती है और हिंदी और इंग्लिश में, तो वहाँ पे जो आपका इंग्लिश वाला पेपर जो है वो सही माना जाएगा, हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा। अब अगर आपका निगेटिव मार्किंग रहता है, अगर आपका निगेटिव मार्किंग रहता है तो अगर आपको जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उतना ही करके आना है। अगर आपको 40 ही क्वेश्चन भले ही क्यों ना आ रहा हो तो आपको 40 ही क्वेश्चन करके आना, 41 नहीं करना है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो आपको एक भी क्वेश्चन तुक्का मार के नहीं आना है। लेकिन अगर आपका निगेटिव मार्किंग रहती है तो आपको तुक्का नहीं माना है। लेकिन अगर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है और 100 नंबर का पेपर है, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो पूरा अटेम्प्ट करें कि नहीं करें। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन का अगर आपका पेपर हो रहा है तो दो बच्चे पेपर दे रहे हैं, एक को जो है 60 क्वेश्चन पूरा पूरा सही आ रहा है तो उसने 60 किया 40 छोड़ दिया तो उसका आएगा 240 नंबर। अब एक लड़का है 100 क्वेश्चन है उसको 50 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर 50 करता तो 200 नंबर आता, 50 करता तो 200 नंबर आता, लेकिन इसने 50 क्वेश्चन जो है तुक्का मारा, 50 क्वेश्चन इसने तुक्का मारा। अब 50 क्वेश्चन तुक्का मारने पे जो है इसके 12 क्वेश्चन और सही हो गए, 12 क्वेश्चन यानी 48 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, तो इसका नंबर आ गया 248। भले ही इसका जो है 38 क्वेश्चन गलत है, लेकिन चूंकि इसका नंबर ज़्यादा हो गया, 248 नंबर हो गया, और पहले वाला केवल 60 ही क्वेश्चन किया था और 60 सही था, तो इसका नंबर चूंकि ज़्यादा है तो इसका रैंक भी अच्छा होगा। 248 वाले नंबर का पाने वाले लड़के का जो है आपका क्या होगा, रैंक अच्छा होगा, इसका रैंक कम होगा। तो ये कन्फ्यूजन एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कि अभी कई बच्चों का फोन भी आया था कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो पूरा अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं कर रहता है तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो एटलीस्ट 50 में आपका प्रॉबिलिटी बनती है 25 क्वेश्चन जो है आपके सही जाएंगे। 50 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन तो सही जाएंगे ही जाएंगे। अब देखिए, जब सपोज कीजिए आप 100 नंबर का पेपर हो रहा है, 100 नंबर का पेपर हो रहा है, अब सपोज कीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर पिछले बार की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो जिसका 60 क्वेश्चन यानी 240 नंबर था उसका रैंक जनरली 15 या 20 के रैंक के अंदर आया हुआ था, तो उसी के आसपास जो है आपका कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं आएंगे। 10-12 नंबर का 3-4 क्वेश्चन का अंतर आ सकता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का अंतर आएगा नहीं, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि 100 में अगर आपका 60 अगर आ जाता है, 60 क्वेश्चन सही होता है, तो चांसेज है कि आपको अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको जो है 100 में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 200 नंबर आ रहा है और 50 क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे हैं, 50 क्वेश्चन में आपको एक भी नहीं आ रहा है। जब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से 50 में से जो क्वेश्चन है, चाहे ए ऑप्शन, चाहे बी या सी या डी, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग एक ही सबका आंसर देना है। जैसे मान लीजिए आपको जो 50 नहीं आ रहा, किसी में ए भर रहे हैं, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, तो प्रॉबिलिटी ये हो सकती है कि आपका कोई भी क्वेश्चन है सही हो या बहुत कम सही हो। लेकिन अगर 50 आपने एक ही ऑप्शन टिक किया है तो मिनिमम तो 10 क्वेश्चन सही होंगे ही, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे प्रोबेबिलिटी आपकी 25% की होनी चाहिए, 12-13 क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा अगर 50 क्वेश्चन का आप एक ही ऑप्शन टिक करते हैं तो। तो अगर आपको 50 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, 50 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसमें से अगर 50 का आप एक ही ऑप्शन टिक करते हैं तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यानी कि 40 मार्क यहाँ से मिल ही जाएगा। 40 नंबर बहुत होता है रैंक गेन करने के लिए, तो यहाँ से आपका 240 नंबर इजीली आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि 50 आपने जो ऑप्शन टिक किया उसमें से आपके 15 सही हो, तो यहाँ से आप 40 की जगह पे 60 हो सकता है, तो आपका 260 नंबर भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तुक्का मारते समय बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे दो ऑप्शन में डाउट हो,
जहाँ पे दो ऑप्शन में डाउट हो वहाँ पे आप कर सकते हैं, किसी को टिक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको एकदम प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, एक भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे यही आपको करना है कि जितने भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उतने क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है, चाहे आप अपने अनुसार ए करिए या बी करिए या सी करिए या डी करिए। जनरली बच्चे बी और सी ज़्यादा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ए और डी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना है कि जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है। तो ऐसे आपके 10-12 क्वेश्चन ईजिली जो है सही हो सकते हैं, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो इस तरीके से आप लोग जो है अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अगर और कोई डाउट होगा एग्जाम को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर हमको लगेगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जिससे जो भी बच्चों का जो भी डाउट हो उनका डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।